हेलो एवरीवन, इट्स मी चंदना। वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन बाय चंदना बारोई। सो आज मैंने बनाया है सॉसी चिकन 65। तो आइए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम चिकन, जो मैंने पकौड़ों के पीस में कट कर लिया है और मैंने इसे साफ़ करके रखा है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, वन टेबल स्पून विनीगर, वन टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और टर्मरिक पाउडर, जो कि मैं हमेशा से डालती आई हूँ, टू टेबल स्पून कर्ड। नेक्स्ट चिकन 65 कबाब मसाला। यकीन मानिए, इससे अगर पकौड़ा बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा पकौड़ा। तो मैं डाल रही हूँ चिकन 65 मसाला। इस मसाले से पकौड़े की जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी मैं इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के लिए मैंने अपनी मम्मी की मदद ली है, क्योंकि जब मैं मिक्स करती हूँ तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी की मदद ली है, और मम्मी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से अब मिक्स कर रही हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप घर पर एटलीस्ट एक बार ये एवरेस्ट का चिकन 65 मसाला अपने पकौड़ों में डाल के देखिए। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि ये जो आपके पकौड़े का स्वाद है ना, वो हज़ार गुना बढ़ा देगा। तो अभी मैं इस मिक्सचर को ओवरनाइट रख दूँगी। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप 15 मिनट तक भी इस मैरिनेशन को रख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं डाल रही हूँ ग्राम फ्लावर, बिकॉज मुझे एग से एलर्जी है। तो मैं एग नहीं डालूँगी, मैं डालूँगी ग्राम फ्लावर 2 बड़े चम्मच फ्राई करने के लिए। और मैं डालूँगी कॉर्न फ्लावर, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अभी ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं फ्राई करने के लिए पैन में डाल रही हूँ। इस वक्त मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर गरम तेल मेरे हाथों में एक बार गलती से भी लग गया तो हाथों का तो जैसे सत्यानाश हो जाएगा। अच्छी तरीके से इन सारे पीसेस को फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर कच्चा भाप ना रहे। एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। पकोड़ा तो आपने नॉर्मल घर पे फ्राई करके ज़रूर खाया होगा, लेकिन 65 मसाला जो है एवरेस्ट का, वो कभी डाल के नहीं खाया होगा। तो एक बार डाल के ज़रूर देखिएगा। पकोड़े में से इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। ये सब एवरेस्ट का 65 मसाले का जो टेस्ट है, वही उसी का जादू है। तो ये हमारा जो पकोड़ा है वो अभी रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे, एक आप देख लो अच्छी तरीके से। एज ए चिकन पकोड़ा भी आप इसे सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बना है ये, एंड आई जस्ट लव दिस। तो एक मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से अंदर से पक गया है ये, और बहुत टेस्टी भी है, मैंने खा भी लिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन चिलीस। ग्रीन चिलीस इसलिए कि अगर आपके पास शिमला मिर्च ना हो तो आप ग्रीन चिलीस से भी काम चला सकते हो, कोई टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए, गार्लिक देना मत भूलना। और यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को मैंने ऐसे काटा है, एकदम यू नो मून शेप, हाफ मून शेप में काटा है। अगर आपको कुछ और शेप पसंद हो तो आप उसी में कट कर लीजिए। पैन हमारा गरम हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ तेल।
उसके बाद डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक, और इसे 1 या 2 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाने के बाद मैं डालूँगी ग्रीन चिलीज़। फिर से इसे मैं 1 या 2 मिनट तक अच्छे से पकाऊँगी, और मैंने यहाँ पे डाला है प्याज और साथ में कश्मीरी चिली पाउडर कलर के लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चिली पाउडर नहीं भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है, मैंने डाला है। एंड देन प्याज को अच्छी तरीके से पकाने के बाद ये मैंने चिकन के पीसेस इसमें डाल दिया और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बहुत जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ चिकन 65 मसाला, थोड़ा सा, ताकि फ्लेवर और अच्छा हो जाए। उसके बाद फिर से उस मसाले को इस चिकन और प्याज के साथ मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, ताकि ये फ्लेवर जो है चिकन और प्याज में अच्छी तरीके से समा जाए। वाह, बहुत बढ़िया बातें कर रही हूँ मैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अभी मैं डाल रही हूँ 1/2 कप विनेगर, और मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस, फिर से इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं डालूँगी चिंग्स का शेजवान चटनी, वो मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो या फिर नहीं भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। मैं इस मसाले के साथ अच्छी तरीके से चिकन को मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी 2 कप वाटर। उसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी थोड़ा सा मिक्स करके। ढक्कन हटाया मैंने और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। नेक्स्ट मैंने 1/2 कप वाटर में कॉर्नफ्लावर जो है मिक्स करके रखा था, वही मैं इसमें मैंने अभी डाल दिया। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, और ये हमारा रेडी हो चुका है सॉसी चिकन 65। कितना बढ़िया लग रहा है देखिए। सो गाइस, ये है फाइनल लुक। काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी तीखा भी है और काफ़ी टेस्टी भी लग रहा है। आप इसे राइस के साथ खा सकते हो, रोटियों के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो। सो गाइस, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।